नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरिज़न में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियांक और आज हम फोर्ड की नई इकोस्पोर्ट और ह्यूंडई क्रेटा की तुलना करेंगे। माना कि क्रेटा इकोस्पोर्ट से लंबी गाड़ी है और इस वजह से वह काफ़ी महंगी भी है, क्योंकि 4 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ियों पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या वह वाकई में क्रेटा के अंदर ज़्यादा अंदरूनी जगह और बूट स्पेस मौजूद है? क्या वह इकोस्पोर्ट से ज़्यादा कम्फर्टेबल है, ज़्यादा सेफ है? क्या उसका माइलेज अच्छा है? क्या उसमें ज़्यादा फीचर्स है? क्या उसकी पकड़ और संतुलन बेहतर है? ऐसे सारे सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहिए कार कंपेरिजन का इकोस्पोर्ट वर्सेस क्रेटा कंपेरिजन वीडियो। हमारे आने वाले वीडियोस का तुरंत अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पे इस बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। इकोस्पोर्ट के टॉप एंड मैनुअल डीजल मॉडल टिटेनियम प्लस की कीमत है 12.5 लाख रुपये ऑन रोड दिल्ली। क्रेटा के टॉप एंड मैनुअल डीजल मॉडल SX-O की कीमत है 17 लाख रुपए, यानी इकोस्पोर्ट से 4.5 लाख रुपए ज्यादा। इतनी महंगी होने के बावजूद क्रेटा SX-O में टॉप एंड इकोस्पोर्ट के 4-5 फीचर्स मौजूद नहीं है, जो है क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। क्रेटा SX-O में एक भी ऐसा फीचर नहीं है जो इकोस्पोर्ट टिटेनियम प्लस में उपलब्ध नहीं। इकोस्पोर्ट के टॉप एंड पेट्रोल मैनुअल मॉडल टिटेनियम की कीमत है 10,20,000 रुपये, जो क्रेटा के टॉप एंड पेट्रोल मैनुअल मॉडल SX प्लस से लगभग 4 लाख रुपये सस्ती है। इकोस्पोर्ट के टॉप एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल टिटेनियम प्लस की कीमत है 12,75,000 रुपये, जो क्रेटा SX प्लस ET से लगभग 2.5 लाख रुपये सस्ती है। क्रेटा में डीजल ऑटोमेटिक मॉडल भी उपलब्ध है, जिसके SX प्लस ET वेरियंट की कीमत है 17,25,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली। इकोस्पोर्ट में फिलहाल तो कोई डीजल ऑटोमेटिक मॉडल उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। पहले बात करते हैं इन गाड़ियों के पेट्रोल मॉडल्स के बारे में। क्रेटा में 1600cc का पेट्रोल इंजन मौजूद है और इकोस्पोर्ट में 1500cc का। दोनों में 123 हॉर्स पावर और लगभग 150 Nm टॉर्क उपलब्ध है। दोनों गाड़ियों का वजन भी तकरीबन 1250 किलो के आसपास है, इसी वजह से उनके पिकअप में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। क्रेटा का इंजन 4 सिलेंडर होने के कारण इकोस्पोर्ट के 3 सिलेंडर इंजन से थोड़ा सा स्मूथ है, लेकिन लो RPM पे उसका पिकअप इकोस्पोर्ट से थोड़ा सा कमज़ोर है। फोर्ड ने इकोस्पोर्ट 1000cc वर्ल्ड ऑफ द इंजन ईयर विजेता इकोबूस्ट इंजन बंद कर दिया है। इकोस्पोर्ट डीजल में 1500cc का इंजन उपलब्ध है, जिसमें 100 हॉर्स पावर और 205 Nm टॉर्क मौजूद है। क्रेटा में 1.4 और 1.6 लीटर डीजल इंजन का विकल्प उपलब्ध है। 1400cc वाले डीजल इंजन में इकोस्पोर्ट से 10 हॉर्स पावर कम है, लेकिन उसका टॉर्क 15 Nm ज़्यादा है। वहीं 1600cc वाली क्रेटा में इकोस्पोर्ट से 28 हॉर्स पावर और 60 Nm अधिक टॉर्क उपलब्ध है। इकोस्पोर्ट और 1400cc वाली क्रेटा की पिकअप में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन लो RPM पे इकोस्पोर्ट डीजल का पिकअप काफ़ी बेहतर है। 1600cc वाली क्रेटा का पिकअप इकोस्पोर्ट से काफ़ी तेज़ है। स्मूथनेस के मामले में दोनों गाड़ियों के डीजल इंजन श्रेणी की सबसे स्मूथ इंजन्स में है। क्रेटा में पेट्रोल और डीजल दोनों में पारंपरिक 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक पर्याय उपलब्ध है। इकोस्पोर्ट पेट्रोल में भी अब पारंपरिक 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर टाइप का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स उपलब्ध है। फोर्ड ने उसका शानदार DCT ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक बंद कर दिया है, क्योंकि उस गियरबॉक्स में बहुत सारे बिगाड़ पाए गए। दोनों गाड़ियों के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स बेहद स्मूथ है, लेकिन सिर्फ इकोस्पोर्ट में शानदार गियर शिफ्ट पैडल्स भी दिए हुए हैं। इकोस्पोर्ट के डीजल मॉडल में फिलहाल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का प्रयोजन उपलब्ध नहीं। अब हम बात करते हैं माइलेज की। क्रेटा के 1.6 डीजल मैनुअल का ARAI माइलेज है 19.7 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल ऑटोमेटिक का 17 किलोमीटर प्रति लीटर। क्रेटा के 1.4 डीजल मॉडल का माइलेज है 21.4 किलोमीटर प्रति लीटर। इकोस्पोर्ट डीजल मैनुअल का माइलेज है 23 किलोमीटर प्रति लीटर, लेकिन हमारे विश्लेषण के दौरान उसका माइलेज क्रेटा 1.6 से 1 किलोमीटर बेहतर पाया गया है और क्रेटा के 1.4 लीटर मॉडल से 1 किलोमीटर कम। क्रेटा पेट्रोल मैनुअल का ARAI माइलेज है 15.3 किलोमीटर प्रति लीटर और पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल का 14 किलोमीटर प्रति लीटर। इकोस्पोर्ट पेट्रोल मैनुअल का 17 किलोमीटर प्रति लीटर और पेट्रोल ऑटोमेटिक का 14.9 किलोमीटर प्रति लीटर, लेकिन हमारे विश्लेषण के दौरान इकोस्पोर्ट के मैनुअल अथवा ऑटोमेटिक दोनों का माइलेज क्रेटा से 1 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर पाया गया है।
अब हम बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। क्रेटा इकोस्पोर्ट से लंबी गाड़ी है, लेकिन इकोस्पोर्ट क्रेटा से ऊंची गाड़ी, लेकिन दोनों गाड़ियों के अंदरूनी जगह में कुछ खास फर्क नहीं। क्रेटा में इकोस्पोर्ट से हल्की सी ज़्यादा नी रूम और लेग रूम उपलब्ध है, मगर वैसे देखा जाए तो दोनों गाड़ियों में 5 यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। क्रेटा का 400 लीटर का बूट भी इकोस्पोर्ट से सिर्फ 50 लीटर बड़ा है, लेकिन इकोस्पोर्ट के नए डैशबोर्ड और सुधार के इंटीरियर्स के बावजूद भी आज भी उनके इंटीरियर्स क्रेटा जितने आकर्षक और उच्च श्रेणी के नहीं लगते। अब हम बात करते हैं अंतिम निर्णय की। 50 लीटर बूट स्पेस के अलावा क्रेटा किसी भी पहलू में इकोस्पोर्ट से बेहतर नहीं है। इकोस्पोर्ट की पकड़ और नियंत्रण क्रेटा से काफी ज्यादा श्रेष्ठ है। लो आरपीएम पे इकोस्पोर्ट के पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन क्रेटा से बेहतर पिकअप देते हैं, और इस वजह से ट्रैफिक में चलाने के लिए क्रेटा से काफी आसान भी लगती है। इकोस्पोर्ट का माइलेज भी क्रेटा से थोड़ा सा बेहतर है। इकोस्पोर्ट की अंदरूनी जगह, उसका स्मूथनेस और उसके नए इंटीरियर्स अब क्रेटा जितने ही अच्छे हैं। फीचर्स के मामले में भी इकोस्पोर्ट क्रेटा से आगे है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब इकोस्पोर्ट क्रेटा से 4 लाख रुपए कम दाम में ग्राहकों को देती है। हमारे राय में इकोस्पोर्ट टॉप एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक इस तुलना की निसंदेह विजेता है। 13 लाख से कम ऑन रोड दाम में आपको गियर शिफ्ट पैडल्स और ESP यानी कि अत्याधुनिक फीचर से भरी गाड़ी मिल जाती है। उतने पैसे में आपको क्रेटा की मिड रेंज वेरिएंट गाड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई क्रेटा अलग सेगमेंट की गाड़ी है ऐसी जड़ी बूटी पिलाने की कोशिश कर रहा हो तो उसे बताइए कि गाड़ी की सेगमेंट उसकी काबिलियत पर निर्भर करती है, उस पर लगने वाले GST पर नहीं। और काबिलियत के अनुसार इकोस्पोर्ट साफ साफ क्रेटा से उच्च सेगमेंट की गाड़ी है। अगर आपको इकोस्पोर्ट या क्रेटा की अन्य गाड़ियों के साथ कंपैरिजन वीडियो देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें, हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें, और आपकी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन को उपयोग करें। धन्यवाद।